प्लास्टिक बैन को लेकर हमारे साथ आदित्य ठाकरे हैं, जिनकी संकल्पना थी। आदित्य, आपने लगातार इसको फोर्स किया कि इम्प्लीमेंट किया जाए प्लास्टिक बैन को, अब बैन हो गया है तो कैसे तमाम फीडबैक्स भी आपके पास आ रहे हो? बिल्कुल, मैं खास कर सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, सभी नागरिकों का, क्योंकि ये बैन जब नहीं था तभी उन्होंने मूवमेंट बनाई। और आप देख रहे हो काफी सारे दुकानों में हो या खुद लोग हो, अपनी अपनी घर से थैलियां लेके जा रही है, तो ये काफी एक अहम चीज है। दुनिया भर में अभी अवेयरनेस है। कल भी नॉर्वे के जो मंत्री साहब आए थे, उन्होंने भी महाराष्ट्र शासन का कंग्रेचुलेशन किया, अभिनंदन किया है, क्योंकि ये अहम चीज है। आप देखते हो कि प्लास्टिक हर जगह गया है, सिर्फ यही नहीं है, हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट पे है, मारियाना ट्रेंच में है, समुद्र में है, समुद्र में तो काफी आइलैंड्स बने हुए हैं। और ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे भी पेटों में जा रहा है, क्योंकि हम जब मछली खाते हैं या कुछ खाते हैं वो हो रहा है, मछली आप देख रहे हो बीचेस पे आ रहे हैं, तो इसका कुछ हल निकालना जरूरी था। और ये जो एक कदम हमने उठाया है, मुझे लगता है काफी अहम कदम है, ऐतिहासिक है।